यहाँ पर हम देखें जैसे जैसे समग्र शिक्षा अभियान, यानी जो समीक्षा है, समग्र शिक्षा अभियान पूर्व में चल रहे किन किन अभियानों को समन्वित करके बनाया गया है। तो समग्र शिक्षा जो अभियान है ये यहाँ पर पहला तो सर्व शिक्षा अभियान है, इसको इसमें जोड़ा गया है। दूसरा इसमें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, जिसको रामसा को भी इसमें जोड़ा गया है। और तीसरा है यहाँ पर शिक्षण शिक्षक शिक्षण है, यानी टीई है, इसको भी इसमें जोड़ा गया है। तो समग्र शिक्षा अभियान में सबको जोड़ा गया है, ऐसे ऐसे रामसा और टीई। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए भारत सरकार के फ्लैगशिप वह समयबद्ध कार्यक्रम का नाम बताइए जो 1 अप्रैल 2018 से 30 मार्च 2020 तक के लिए प्रारंभ है। तो 1 अप्रैल 2018 से 30 मार्च 2020 तक के लिए जो चलाया गया है कार्यक्रम, उसका नाम क्या है? समग्र शिक्षा अभियान उस कार्यक्रम का नाम है। किसकी अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार करके सौंपा था? तो यहाँ पर 30 मई 2019 को ये सौंपा गया था केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री को, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप जो सौंपा गया था वो के कस्तूरंगन समिति है, उसने तैयार करके सौंपा था। मैं अभिभावक, शिक्षक और दानदाता अपनी इच्छा अनुसार राशि दान करते हैं, जिसका प्रयोग विद्यालय के विकास में किया जाता है। तो कौन सी पेटी का रहता है उसकी हम बात करें यहाँ पर, तो वो है अक्षय पेटी का। अक्षय पेटी का विद्यालयों में लगाई जाती है, इसकी वजह से शिक्षक, अभिभावक और दानदाता अपनी इच्छा अनुसार राशि दान यहाँ पर कर सकते हैं। समग्र शिक्षा अभियान समसा है कार्यक्रम में केंद्र एवं राज्य सरकार का वित्तीय योगदान क्रमशः कितना हो गया है? केंद्र एवं राज्य सरकार का जो वित्तीय योगदान है यहाँ पर उसकी बात करें तो ये वित्तीय योगदान है यहाँ पर 60 और 40 हो गया है। समग्र शिक्षा अभियान के अंदर केंद्र सरकार देती है 60% और राज्य सरकार देती है 40%। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जयपुर में कब आयोजित किया गया? तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है जयपुर में कौन से सन में आयोजित किया गया था? ये 23 से 28 फरवरी 2019 तक ये आयोजित किया गया था, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर जैसे समग्र शिक्षा अभियान किस कक्षा तक अनुमोदित है? तो कक्षा की बात करें यहाँ पर तो ये प्री स्कूल से नर्सरी से 12वीं तक ये समसा है, यानी समग्र शिक्षा अभियान है, ये चलता है। जुलाई 2019 में शुरू हुए सत्र से सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में लड़कियों को किस योजना के तहत किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा? तो उस योजना का नाम क्या है? वह है बालिका निःशुल्क शिक्षा योजना, जिसमें बालिकाओं को किसी प्रकार का शुल्क यहाँ पर नहीं चुकाना पड़ेगा। 6 फरवरी 2019 को देश का पहला राजीव गांधी करियर पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? देश का पहला यहाँ पर राजीव गांधी जो कैरियर पोर्टल है ये लॉन्च किया था जयपुर में, राजीव गांधी कैरियर पोर्टल। राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के सरकारी कॉलेजों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने एवं गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कौन सा कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पर बात करें राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के जो सरकारी कॉलेज हैं उनमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया है उस कार्यक्रम का नाम है रेस। राजस्थान सरकार ने सास को उच्च शिक्षा का नया मॉडल लॉन्च किया जिसे रेस कहते हैं, रीसो ये यहाँ पर चलाया गया है। राजस्थान बजट 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार कहाँ के राजकीय महाविद्यालय का नामांकन श्री गुरु शरण छावड़ा राजकीय महाविद्यालय किया जाएगा? तो कहाँ का है ये राजकीय महाविद्यालय जिसका नामांकन किया जाएगा? श्री गुरु शरण छावड़ा राजकीय महाविद्यालय, तो श्री गुरु शरण छावड़ा राजकीय महाविद्यालय है, ये व्याना में यहाँ पर आयोजित किया गया। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जैसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान, यानी कि ICAI, भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान
द्वारा अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर है। तो ये देश का दूसरा एक्सीलेंस सेंटर है, ये यहाँ पर कहाँ पर किया गया, चौसला चाकसू में ये किया गया है। भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया, तो प्रथम स्किल विश्वविद्यालय भारत में कहाँ पर आयोजित किया गया, ये राजस्थान में आयोजित किया गया था प्रथम स्किल विश्वविद्यालय। राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है, यह कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो राजस्थान में यहाँ पर प्रथम कौशल विश्वविद्यालय है, ये जयपुर में आयोजित किया गया है। यहाँ पर हम बात करें जैसे कि विभाग की बात करें, मासिक पत्रिका कौन से विभाग की चल रही है यहाँ पर, तो विभाग की बात करें पहला विभाग है यहाँ पर राविरा है राजस्व मंडल अजमेर की मासिक पत्रिका है, राजस्थान विकास है पंचायती राज विभाग की पत्रिका है, शिविरा है ये शिक्षा विभाग की पत्रिका है, और दी रिसर्चर है खनिज विभाग की, ये गलत है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई, तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना है यहाँ पर जुलाई 1969 में ये राजस्थान हिंदी अकादमी की स्थापना की गई है। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा की गई, तो मेयो कॉलेज की बात करें यहाँ पर मेयो कॉलेज की स्थापना जनरल लॉर्ड मेयो के समय की गई थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1978 में स्थापित राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय 1978 में ये कहाँ पर है, तो इसकी बात करें तो ये उदयपुर में है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। जोबनेर में कृषि कॉलेज की स्थापना किसने की, और ज्ञानतब है कि यह राजपूताना एवं मध्य भारत का प्रथम कृषि कॉलेज था, तो जोबनेर में जो स्थापना की थी वो थी नरेंद्र सिंह ने, यहाँ पर स्थापना की थी जोबनेर में कृषि कॉलेज की स्थापना, और यह राजपूताना और मध्य भारत का प्रथम कृषि कॉलेज था। राजस्थान में शिक्षा से संबंधित तथ्यों पर विचार करना है और कोड का प्रयोग करते हुए हमें चयन करना है, तो कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन हम कैसे करेंगे यहाँ पर, जैसे पहला तो यह सन 1947 में जयपुर में राजपूताना विश्वविद्यालय, जयपुर में राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1947 में हुई थी। दूसरा सन 1950 में बीकानेर में प्राथमिक एवं, यहाँ पर सन 1950 में बीकानेर में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना हुई थी, तो ये बात भी सही है, यहाँ पर बीकानेर में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना हुई थी। तीसरी हम बात करें यहाँ पर वो क्या है, सन 1958 में तो संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई, ये भी सही है, भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ये गलत है प्रमुख। निम्न में से राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी की बात करें, तो नोडल एजेंसी की बात करें तो यहाँ पर नोडल एजेंसी जो है वो है राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद, ये सर्व शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी है। अब बात करें यहाँ पर चार पॉइंट दिए गए हैं, पहला जो पॉइंट है, चार पॉइंटों में पहला जो पॉइंट है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, इसमें हमें कौन सा एक मानचित्र को सही नहीं दर्शाया गया है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है ये इधर ही है, यानी बीकानेर वाले पार्ट में है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बीकानेर की साइड। कामधेनु विश्वविद्यालय की बात करें, कामधेनु विश्वविद्यालय इस वाले एरिया में आ जाएगा, तो इस वाले एरिया में यहाँ पर जैसे सिरोही है या फिर जालौर है, ये वाला एरिया आ जाएगा कामधेनु विश्वविद्यालय। तो ये जालौर वाला एरिया सही है। तीसरा यहाँ पर दे रखा है राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये यहाँ पर सेंटर में दे रखा है, यानी कि यहाँ पर होगा बांसवाड़ा, यहाँ पर होगा यहाँ पर विश्वविद्यालय है, यहाँ पर ये गलत है। जल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, अलवर के अंदर।
तो ये यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है, यानी ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, सही उत्तर का हमें पता करना है, सही उत्तर कौन सा होगा। तो पहला बात करें, अलवर में मत्स्य विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ये सही है। राजस्थान सरकार राज्य में पहली बार जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एजुकेशन वैली की स्थापना की जाएगी, ये भी सही है। जालौर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, ये गलत है। बीकानेर में राजस्थान का पहला इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट शुरू किया जाएगा, ये यहाँ पर सही है कि बीकानेर के अंदर पहला इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट देखें हम, जैसे यहाँ पर देखा, राज्य द्वारा प्रति वर्ष 2 अक्टूबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो क्या ये बात सही है कि राजस्थान सरकार 2 अक्टूबर को प्राकृतिक शिक्षा दिवस मना रही है? तो ये यहाँ पर सही है कि राजस्थान सरकार है 2 अक्टूबर को यह मनाने की घोषणा की है। दूसरा, बांसवाड़ा राजस्थान का एकमात्र जिला है जिसकी सभी पंचायत समितियों में आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध है, तो ये भी सही बात है कि बांसवाड़ा के अंदर आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति अवेलेबल है। नेक्स्ट हम देखें, सर्व शिक्षा अभियान के तहत किसी योजना को 2 वर्ष 2004 और 5 से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के बालकों को कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा देने के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से चलाया जा रहा है। तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से जो चलाया जा रहा है उसकी हम बात करें, कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से चलाया जा रहा है। किस वर्ष राजस्थान में स्वीडन की, यानी स्वीडन इंटरनल इंटरनेशनल, किस वर्ष राजस्थान में स्वीडन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से सभी के लिए शिक्षा एजुकेशन फॉर ऑल प्राप्त करने के लिए योजना प्रारंभ की गई? तो सभी के लिए शिक्षा यानी एजुकेशन फॉर ऑल प्राप्त करने की जो योजना प्रारंभ की गई है वो यहाँ पर किस वर्ष राजस्थान में प्रारंभ की गई है? तो इसकी बात करें यहाँ पर, तो ये होगा जून 1992 में ये है राजस्थान में स्वीडन की नेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है, इसके लिए सभी के लिए शिक्षा एजुकेशन फॉर ऑल प्राप्त करने की यहाँ पर प्रारंभ की गई है जून 1992। 18 वर्ष तक के सभी छात्रों को स्कूली शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से 8 जुलाई 2010 से कौन सी योजना यहाँ पर प्रारंभ की गई? तो यहाँ पर हम बात करें 18 वर्ष तक के सभी छात्रों को स्वीकृति शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए 8 जुलाई 2010 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? ये चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे योजना यहाँ पर प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में महिला शिक्षण विहार कार्यक्रम कौन से जिले में संचालित किया है? तो वर्तमान में महिला शिक्षण विहार कार्यक्रम है ये कौन से जिले में स्टार्ट किया गया है? झालावाड़ा में ये स्टार्ट किया है वर्तमान में महिला शिक्षण विहार कार्यक्रम। मिड डे मील योजना राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मिड डे मील योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या है इसकी हम बात करें, मिड डे मील योजना के जो प्रमुख उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, दूसरा है स्कूलों में बच्चों का नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना, तीसरा है उपस्थित सुधारना या पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना, यानी कि सुधरा हुआ खाना पौष्टिक आहार लोगों को यानी बच्चों को उपलब्ध कराना ताकि उनका अच्छा से दिमाग यहाँ पर चल सके, काम कर सके। नेक्स्ट हम देखें, जैसे 29 दिसंबर 2012 से शिक्षा के क्षेत्र में पहला विज्ञान केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? तो शिक्षा के क्षेत्र में पहला जो विज्ञान केंद्र है 29 दिसंबर 2012 से स्टार्ट हुआ है ये कौन सी जगह हुआ है? तो ये हम कहें कि जयपुर में विज्ञान केंद्र लगा है 29 दिसंबर 2012 से। राजस्थान में पहला ई सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ई सेवा केंद्र की बात करें तो ये दूदू जयपुर के अंदर स्टार्ट किया गया था। राजस्थान स्टडी सेंटर RSC का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? स्टडी सेंटर का संबंध यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय से है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू का नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है यहाँ पर, इसका कार्यालय कहाँ खोला गया है? ये जोधपुर में खोला गया है। राज्य में किस आयु वर्ग के बच्चों को उपयोगी एवं समुचित शिक्षा प्रदान करने हेतु केंद्र प्रवर्तित योजना सर्व शिक्षा अभियान क्रियान्वित की जा रही है? तो केंद्र प्रवर्तित योजना सर्व शिक्षा जो योजना है कहाँ पर स्टार्ट की जा रही है? ये यहाँ पर हम बात करें 6 से 14 वर्ष के लिए स्टार्ट की जा रही है। राज्य में किस आयु वर्ग के बच्चों को उपयोगी एवं
समुचित शिक्षा प्रदान करने हेतु केंद्र प्रवर्तित योजना है। सर्व शिक्षा अभियान 3 वर्ष से 14 वर्ष के लिए आयोजित की जा रही है। राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है? तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु यहाँ पर गार्गी पुरस्कार है राज्य में दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग को शिक्षा प्रबंध से जुड़े कार्मिकों को प्रशिक्षण देने हेतु स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग की स्थापना जो की गई है यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, ये कहाँ पर की गई है? गौनेर जयपुर में ये स्टार्ट की गई है। शिक्षा विभाग के शिक्षा प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों को प्रशिक्षण देने हेतु ये स्टार्ट की गई है। राजस्थान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ITI कहाँ कार्यरत है? तो भारत राजस्थान की बात करें, ये कहाँ पर कार्यरत है? जोधपुर में ये कार्यरत है भारतीय औद्योगिकी संस्थान यानी IIT। IIT कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। राजस्थान में किस स्थान पर मेट्रो मानस आरोग्य संस्थान सार्वजनिक निजी सहभागिता आधार पर कार्यरत है? तो मेट्रो मानस की बात करें, सांगानेर जयपुर में यहाँ पर PPP मॉडल के यानी कि पब्लिक पार्टनरशिप में ये चलाई जा रही है। तो इसमें सार्वजनिक और निजी सहभागिता के आधार पर ये कार्यरत है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा में 75%, तो अगर 10वीं कक्षा में 75% या फिर अधिक अंक प्राप्त करने वाली सभी बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार के अंतर्गत 4,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो गार्गी पुरस्कार में 75% से ऊपर की जो लड़कियां हैं उनको 4,000 से बढ़ाकर इसको 6,000 कर दिया है। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर को, महाराणा जो प्रताप है, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर को यहाँ पर क्या किया गया है? राज्य का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। किस विश्वविद्यालय के द्वारा रिसर्च करने वाले शोधार्थी विद्यार्थियों को फंड उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर रिसर्च करने वाले विद्यार्थियों को फंड उपलब्ध कराया जाएगा, कौन से विद्यालय ने यहाँ पर घोषणा की है? तो इसकी हम बात करें तो ये हमारा है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय। इस विद्यालय ने यहाँ पर रिसर्च करने वाले शोधार्थी विद्यार्थियों को फंड उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इनमें से जैसे कौन सा सम्मिलित है, तो यहाँ पर बात करें, पहला है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर में है, 2001-2 में स्थापित किया गया था। राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय 24 जुलाई 2002 को जोधपुर में स्थापित किया गया था और अप्रैल 2011 में इसका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय रखा गया। तीसरा है जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय मादाऊ जयपुर में 2001-2 में स्थापित किया गया था। यहाँ पर सम्मिलित हमें देखना है कौन सम्मिलित है। तो पहली बात तो सारे सम्मिलित होंगे, तो कौन कौन से यहाँ पर सम्मिलित हैं उसकी बात करें। यहाँ पर पहला है राजस्थान तकनीक विश्वविद्यालय RTU कहाँ पर है? कोटा में ये सम्मिलित है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, तो स्वास्थ्य विज्ञान जो विश्वविद्यालय है राजस्थान में वो कहाँ पर है? जयपुर में 2006 में स्थापित किया गया था। तीसरा है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर स्थापित है? बीकानेर में 2010 में स्थापित किया गया था। राज्य में मत्स्य विश्वविद्यालय ब्रज विश्वविद्यालय और शेखावटी विश्वविद्यालय की स्थापना किन जिलों में की गई है? तो ब्रज शेखावटी और इनकी बात करें हम यहाँ पर, तो ब्रज है ये, ब्रज वाला क्षेत्र कहाँ पर आ जाएगा? अलवर की साइड, तो ये अलवर में। शेखावटी वाला क्षेत्र भरतपुर की साइड आ जाएगा शेखावटी। मत्स्य वाला अलवर में, मत्स्य किससे रिलेटेड है? अलवर से रिलेटेड है। ब्रज वाला भरतपुर से रिलेटेड है और ये शेखावटी वाला क्षेत्र सीकर से संबंधित है, तो ये तीनों जगह आ जाएगा, शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर में और जो ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर में है और मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, सिंह के द्वारा जयपुर के जो महाराजा हैं सवाई जयराम सिंह, उनके द्वारा 1866 में जयपुर के मदरसा एक हुंडी की स्थापना की गई, इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो मदरसा एक हुंडी है, इसको यहाँ पर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाम से जाना जाता है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट आर्ट एंड क्राफ्ट। राजस्थान का प्रथम कॉलेज कहाँ खोला गया? तो राजस्थान के प्रथम कॉलेज की हम बात करें तो ये यहाँ पर अजमेर में खोला गया है राजस्थान का प्रथम कॉलेज। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर आधारित लड़कियों का पहला पब्लिक स्कूल कहाँ खोला गया? तो अंग्रेजी शिक्षा पर आधारित है ये, राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर आधारित लड़कियों का पहला पब्लिक स्कूल, तो यहाँ पर राजस्थान में लड़कियों का ये पहला स्कूल है ये खोला गया जयपुर के अंदर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर आधारित। सर्व शिक्षा अभियान में 1/4/2008 में से केंद्र एवं राज्य सरकारों का अंशदान कितना प्रतिशत किया गया है? तो सर्व शिक्षा अभियान की बात करें यहाँ पर, तो
सर्व शिक्षा अभियान में ये जो प्रतिशत है, पहले राज्य सरकार का तो 2008 के अंदर राज्य सरकार का था 35% और केंद्र सरकार का था 65%। राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के शैक्षिक दृष्टि से 186 विकास खंडों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई? कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो योजना है राज्य में कहाँ पर स्टार्ट की गई है? ये वर्ष 2004 में से स्टार्ट की गई है। सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षक छात्र अनुपात का मानक क्या है? शिक्षक छात्र अनुपात का मानक है सर्व शिक्षा अभियान में वो है 1:40, यानी कि एक शिक्षक है 40 बच्चों को पढ़ाएगा। राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के तहत 1 से 5 तक के बच्चों तथा कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों हेतु भोजन पकाने की लागत प्रति छात्र क्रम से कितनी निर्धारित की गई है? तो भोजन पकाने की जो लागत है यहाँ पर वो कितनी की गई है एक से एक छात्र के लिए? राष्ट्रीय पोषाहार ने यहाँ पर कितनी लागत ये निर्धारित की है? तो ये हम बात करें 3.59 से 5.38, यानी 6 से 8 तक के छात्रों के लिए भोजन पकाने की जो लागत है यहाँ पर प्रति छात्र 3.59 से 5.38 रुपये ये लगाई है। राजस्थान शिक्षा पहल योजना में कौन भागीदार नहीं है? राजस्थान शिक्षा पहल योजना में कौन भागीदार नहीं है? यूनिसेफ यहाँ पर भागीदार नहीं है। शिक्षा आपके द्वार योजना की शुरुआत कब की गई? शिक्षा आपके द्वार योजना की जो शुरुआत है 19 नवंबर 2001 से ये स्टार्ट की गई है शिक्षा आपके द्वार। मिड डे मील योजना में केंद्र एवं राज्य का अंशदान कितना है? तो मिड डे मील योजना की बात करें, मिड डे मील योजना में केंद्र का जो योगदान है वो है 75% और राज्य का जो योगदान है वो है 25%। तो ये मिड डे मील योजना में चल रहा है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो गठन है यहाँ पर किया गया था 3 सितंबर 2009 को। नन्ही कली योजना किससे संबंधित है? तो नन्ही कली है यहाँ पर किससे संबंधित होगी? शिक्षा विभाग से संबंधित है ये नन्ही कली, शिक्षा विभाग ने ये योजना चलाई है। SEMIS किससे संबंधित है? SEMIS की अगर बात करें हम तो ये माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड है SEMIS। राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो कामधेनु की यहाँ पर बात हो रही है। तो कामधेनु कहाँ पर है? ये पथमेड़ा जालौर के अंदर कामधेनु है, क्योंकि शिवशंकर से रिलेटेड है। राजस्थान में मीराबाई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स कहाँ पर स्थापित किया गया? तो राजस्थान में ये एम्स है, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये जोधपुर में स्थापित किया गया है। राजस्थान में मीराबाई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर में लगाया गया। वलीचा कौन सा संस्थान स्थापित किया गया है? तो वलीचा की अगर हम बात करें, वलीचा में कौन सा स्थान स्थापित किया गया है? यहाँ पर IIM ये वलीचा में संस्थान स्थापित किया गया है। राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा हेतु स्थापित विश्वविद्यालय कौन सा है? यानी डिस्टेंस एजुकेशन के लिए राजस्थान में कौन सा विश्वविद्यालय चलाया गया है दूरस्थ शिक्षा के लिए? तो राजस्थान में यहाँ पर दूरस्थ शिक्षा के लिए कौन सा चला गया है? वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय यानी वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा है, ये डिस्टेंस एजुकेशन के लिए चलाया गया है। राज्य का निजी क्षेत्र का प्रथम मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो राज्य में निजी क्षेत्र का जो प्रथम मेडिकल कॉलेज है वो यहाँ पर है महात्मा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। वनस्थली विद्यापीठ को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो वनस्पति विद्यापीठ को डीम्ड विश्वविद्यालय का जो दर्जा दिया गया था वो 1983 में यहाँ पर वनस्पति यानी वनस्थली विद्यापीठ को डीम्ड विश्वविद्यालय का यहाँ पर दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय की जो स्थापना है यहाँ पर कब की गई है? ये की गई थी 1978 में। वर्तमान में राजस्थान का सर्वाधिक साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर आदिवासी जिला है वर्तमान में राजस्थान का उदयपुर। वर्ष 2006 में स्थापित हर्ट हायर एजुकेशन एकेडमी फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है राजस्थान में? ये जयपुर के अंदर है, हर्ट यानी हायर एजुकेशन एकेडमी फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग। DIET यानी डाइट का पूरा नाम क्या है? DIET का पूरा नाम है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो ये डाइट का पूरा नाम आ जाएगा
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये डाइट का पूरा नाम है। फिर है जैसे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और कहाँ की गई? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है यहाँ पर, ये की गई थी 1953 में पिलानी झुंझुनू में ये स्थापना की गई थी, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के तहत क्रमशः कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के तहत कक्षा 10 व 12 की परीक्षाओं में जो स्टार्ट की जाती है वो 75,000 रुपये है, वो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 75,000 रुपये और फिर 1,00,000 रुपये। तो ये कक्षा 10 व 12 की परीक्षा में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली को यहाँ पर दिया जाता है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। निम्न में से किस जिले को सत्यन मैत्रीय पुरस्कार 2 बार दिया जा चुका है? तो सत्यन मैत्रीय पुरस्कार है यहाँ पर किस जिले को 2 बार दिया जा चुका है, तो उसकी बात करें यहाँ पर उदयपुर को यहाँ पर सत्यन मैत्रीय पुरस्कार दिया गया है। शिक्षा विभाग राजस्थान के महत्वपूर्ण आदेश परिपत्र किस पत्रिका में प्रकाशित करता है? तो शिक्षा विभाग यहाँ पर सिविरा पत्रिका में ये प्रकाशित करता है। देश में कुल 5 मिलिट्री स्कूल हैं, इनमें से कौन से 2 राजस्थान में हैं? तो देश में कुल 5 मिलिट्री स्कूल हैं, इनमें से 2 कौन से राजस्थान में? तो 2 की यहाँ पर बात करें हम, तो एक तो मिलिट्री स्कूल है यहाँ पर जैसलमेर और जयपुर, ये मिलिट्री स्कूल है राजस्थान में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे चिकित्सा और स्वास्थ्य रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।